तो हे गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपका डिवाइस OTG टेस्टेड है, OTG सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए गाइज़ एक पेन ड्राइव लेकर रखा है मैं, जो कि टाइप-C सपोर्ट करता है। टाइप-C वाला पेन ड्राइव मेरे पास में है। और गाइज़, मैं इस फ़ोन के अंदर कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये सीधा सीधा कनेक्ट हो जाता है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इसके अंदर डिवाइस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे अभी जैसे ही मैंने इसके अंदर कनेक्ट किया गाइस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर इसने ओपन कर लिया और यहाँ पे इसको रिकनाइज कर रहा है, मतलब कि मेरे को कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ी। तो गाइस, ये डायरेक्टली इसने एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे मेरा OTG आ गया है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर OTG पे क्लिक करके मैं कोई भी फाइल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये बात तो तय है कि ये आपका OTG सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर एक OTG की सेटिंग है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल दिया और सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको OTG कनेक्शन। आपको अगर कई बार क्या होता है कि इनेबल ना हो ना, कई बार क्या हो कनेक्ट ना हो, तो इस सेटिंग को आप इनेबल कर लें। इनेबल करने के बाद आप इसको लगाएंगे तो गाइस, ये आपका वापस से आपका ये मतलब वहीं पर ले जाएगा आपको, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाता है, मतलब ओवरऑल ये कि आपका OTG सपोर्ट करता है। आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।